बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि मेरा जो ड्रीम इलेवन से पैसे हैं वो एज अ फेयर प्ले पॉलिसन में कट गए हैं और मैंने यहाँ पे कुछ उस प्रकार से कुछ किया भी नहीं है और मेरे जो पैसे यहाँ पे फेयर प्ले पॉलिसन में कट हो गए हैं, यानी कि मेरे वॉलेट में वो पैसे आए नहीं है और जो आए हैं वो कट हो गया है। मतलब कि यहाँ पे आपको फेयर प्ले पॉलिसन लगा है और आप लोगों को लगता है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है उसमें, तो यहाँ पे उस पैसे को हम लोग कैसे रिफंड ले पाएंगे, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाए, फिर आप लोग इजिली यहाँ पे अपने पैसे जो है उसे रिटर्न मंगा पाओ। तो चलिए जानते हैं सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे सब कुछ पूरे प्रोसेस साथ और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोगों की यहाँ पे सभी चीजें करनी है और कैसे आप लोग अपने पैसे जो है रिफंड मंगा सकते हो, लेकिन हाँ अगर आपकी कोई गलती नहीं है तब। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को मैं इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे का जो प्रोसेस होगा उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्यों फेयर प्ले पॉल्यूशन लगता है और इसके रीजन क्या है। गलती से बहुत कम लगते हैं लेकिन इसका रीजन क्या है मेन उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फेयर प्ले पॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या है और कैसे लगता है। तो इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो बताया जाता है कि व्हाट इज फेयर प्ले पॉल्यूशन, ठीक है क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग जो है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप लोगों को फेयर प्ले पॉल्यूशन लग सकता है। पहला क्या है, क्रिएटिंग मल्टीपल अकाउंट्स। अगर आप लोग यहाँ पे ज्यादा अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे फेयर प्ले पॉल्यूशन जो है लग सकता है। दूसरा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, विड्रॉइंग डिस्काउंट बोनस यूजिंग अनलॉफुल मीन्स। मतलब कि यहाँ पे जो भी बोनस होता है उसको आप विड्रॉल करते हो जो अनलॉफुल है उस तरीके से, क्योंकि आपको पता ही होगा कि डिस्काउंट बोनस जो भी आपको मिलता है उसको आप लोग विड्रॉल नहीं कर सकते हो, इन गेम ही यूज करना होता है। मैच में आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है उस बोनस के थ्रू, मतलब कि जो कंट्रीज ज्वाइन करते हो 10% उस बोनस में से यूज होता है, तो उसको आप लोग मिसलीड करके गलत तरीके से आप लोग अगर उसका विड्रॉल करने की कोशिश करोगे तो भाई यहाँ पे आपको फेयर प्ले पॉल्यूशन लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सबमिटिंग इन करेक्ट डिटेल एंड फेक डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लोग गलती डिटेल सबमिट करते हो या फिर फेक डॉक्यूमेंट बना के आप यहाँ पे सबमिट कर वेरीफाई कर लेते हो और पैसे विड्रॉल करते हो तब भी आपको यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि मिस यूजिंग द सेम टीम रिफंड बेनिफिट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग मिस यूज करते हो इस चीज को लेके, टीम रिफंड को लेके, इस बेनिफिट को लेके, तो भी आपको फेयर प्ले पॉल्यूशन लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है कि क्या होगा अगर आपका जो है फेयर प्ले पॉल्यूशन लग जाता है। तो सबसे पहला क्या है, बताया जाता है कि विनिंग एंड डिस्काउंट बोनस अर्न बाय अनफेयर मीन्स आर कैप्चर्ड। जो भी आप गलत तरीके से अपने डिस्काउंट बोनस को अर्न किए हो, मतलब गलत तरीके से, उसको कैप्चर कर लिया जाएगा, यानी कि ड्रीम इलेवन उसको वापस ले लेगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा में होगा कि रेफर्ड अकाउंट आर डीएक्टिवेट एंड इनवाइट कोड आर ब्लॉक। दूसरे में क्या हो सकता है कि आपका जो रेफर अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपका इनवाइट कोड है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब आप इनवाइट भी नहीं कर पाओगे किसी को। और तीसरा में क्या होता है, परमानेंट अकाउंट डीएक्टिवेशन। तीसरा जो है, यहाँ पे परमानेंट अकाउंट को बंद कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब उसके बाद आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। तो ये यह है यहाँ पे फेयर प्ले लगने के आपके जो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में मैंने बताया। अब इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग, अगर आपका फेयर प्ले पॉल्यूशन लगा है और आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो उसके लिए आप सिंपल सा चीज कर सकते हो, आप ड्रीम इलेवन को मेल कर सकते हो। अब क्या मेल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं आगे और मैं लेके चलता हूँ आपको अपने मेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले जीमेल में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। कंपोज मेल पे आना है, आने के बाद यहाँ पे आप लोग जो है जहां से भेज रहे हो तो आपका ईमेल शो कर ही जाएगा। बाकी किसे भेजना है तो आपको ड्रीम इलेवन को भेजना है। ठीक है, ड्रीम इलेवन का यहाँ पे क्या है मतलब मेल क्या है मैं बताता हूँ, फैंटेसी स्पोर्ट्स डॉट सॉरी फैंटेसी स्पोर्ट्स एट ईमेल डॉट ड्रीम इलेवन डॉट कॉम। ठीक है, ये यह है यहाँ पे, ये आपको इस मेल पे भेजना है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, फैंटेसी स्पोर्ट्स डॉट सॉरी फैंटेसी स्पोर्ट्स एट द रेट ईमेल डॉट ड्रीम इलेवन डॉट कॉम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या डालना है आप लोगों को भी बता देता हूँ। सब्जेक्ट में डालिएगा यहाँ पे ड्रीम इलेवन फेयर प्ले वायोलेशन। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इसके बाद आप लोग क्या करोगे वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कंपोज मेल में आना है और यहाँ पे आपको लिखना है सर
और उसके बाद स्लैश देके मैडम, ठीक है। उसके बाद नीचे से लिखना है आप लोगों को, मैंने इसको कॉपी करके रखा है, मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट ही कर देता हूँ, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इसको ध्यान से ये कर लीजिएगा, ध्यान से देख के लिख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि सर और मैडम, आई एम नॉट प्लेइंग लाइक दैट, अ लॉट ऑफ मनी मिसिंग फ्रॉम माई ड्रीम इलेवन वॉलेट, प्लीज रिफंड माई मनी बैक, ठीक है। अब लॉट ऑफ मनी मैंने लिखा यहाँ पे, कितना भी पैसा हो सकता है जो आप लोगों का कटा है। डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हो कि जितना रुपया, मान लो कि आपके 500 रुपए कटे हैं, तो वहाँ पे अलॉट ऑफ मनी जो मैंने लिखा है वहाँ पे 500 लिख सकते हो, 1000 कटे हैं 1000 लिख सकते हो, जितना भी आपका कटा है वो अपने हिसाब से आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और लिख के यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आयकर, आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। अब इसके बाद जब सेंड कर दोगे तो ड्रीम इलेवन इसको रिसीव करेगा, उसके बाद फिर से सब कुछ देखेगा और जो हो पाएगा, मतलब जो भी इसका ये होगा सॉल्यूशन होगा, उसके बारे में यहाँ पे आपको मेल आ जाएगा उनके तरफ से। और आपने अगर गलत किया है तो फिर वो तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन अगर गलत नहीं किया है तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगली बार से ऐसा कुछ ना हो। और गलत तरीके से आप लोग कभी भी डिस्काउंट बोनस को विड्रॉल करने का कोशिश मत कीजिएगा। डॉक्यूमेंट जो है आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, उसी को आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा। और भी जो सभी चीजें आप लोगों को ध्यान से देख के करना है कि नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसा इश्यू हो ना हो, ऐसे इशू को आप लोग फेस ना करो और इजिली खेल पाओ। आप लोग अगर अच्छे से खेलते हो तो आपको कभी भी फेयर प्ले वॉल्यूशन नहीं लग सकता है। और मैं बहुत टाइम से खेलता हूँ, मुझे आज तक नहीं लगा है, तो आप लोगों को कैसे लग सकता है। लेकिन आप लोग इलीगल तरीका से, अनलॉफुल तरीका से कुछ भी मत कीजिएगा। ऐसा ड्रीम इलेवन का मानना है कि अगर आप करते हो तो जो भी उसके पैसे होंगे उसके थ्रू उसको कैप्चर कर लिया जाएगा, दूसरा बार में आपका रेफर कोड ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ अगला बार अगर फिर ऐसा करते हो या तीसरा में वहां पे लिखा गया था कि आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा यानी ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप नेक्स्ट टाइम से उस अकाउंट से नहीं खेल पाओगे। और आपने उससे अगर पैन कार्ड बैंक अकाउंट वेरीफाई कर रखा है तो फिर उसका दूसरे भी अकाउंट में यूज नहीं कर पाओगे। तो ये सभी चीजें आप लोग गलती से भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर इससे आप लोग आगे जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे। ड्रीम इलेवन तो नहीं खेल पाओगे, फिर आपको दूसरे डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करने जाओगे तो भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपका तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा नहीं, क्योंकि आपका जहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई था उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप लोग ध्यान से कीजिएगा और जो मैंने प्रोसेस बताया उसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो इजीली ये सभी चीजें कर सकते हो और फिर आप लोग आसानी के साथ यहाँ पे अपने पैसे जो है रिफंड मंगा सकते हो, अगर आपकी गलती नहीं है तो। अगर गलती की हो तो 1 रुपया भी आपके आने वाले हैं नहीं, और नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ ना कर पाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा, और इससे लिए कोई डाउट हो तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोग अपने दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इन सभी चीजें से दूर रहें, और ऐसा अगर उनके साथ हुआ है तो वो लोग भी ये चीज करके इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।